सो हे गाइस, वेलकम ऑन दिस चैनल वेव्स ऑफ बायोलॉजी। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाली हूँ अबाउट द एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। सो इससे प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाई थी वो भी इसी टॉपिक में बनाई थी, बट डिफरेंस क्या है, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है। तो मैंने क्या बताया था, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें फीटस डेवलप हो रहा है आउटसाइड द यूट्रस, ठीक है, यूट्रस के बाहर जिसमें डेवलप हो रहा है। वैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है, इन नॉर्मल प्रेगनेंसी जो फीटस डेवलप होता है वो कहाँ होता है, इन टू द यूट्रस। बट एक्टोपिक प्रेगनेंसी में मेन पॉइंट इज दैट कि यूट्रस के बाहर मतलब कहाँ कहाँ हो सकता है, इन द सर्विक्स, इन द एब्डोमेन, इन द फैलोपियन ट्यूब, और इन द ओवरी। सो ये सारे अलग अलग साइट्स हो सकते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, ठीक है। सो आज हम बात करेंगे कि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो उसमें हम पेशेंट के क्या क्या टेस्ट करवाएंगे। सो उसमें मैंने मेन तीन टेस्ट लिखे हैं। पहला टेस्ट है ब्लड टेस्ट, सेकेंड वन इज अ यूरिन टेस्ट, एंड थर्ड वन इज अ सोनोग्राफी, ठीक है। सो ये तीन चीज़ें हमें मेन करवानी होती है। इनमें इन्वेस्टिगेशन हमें हम क्या क्या टेस्ट कराते हैं ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। सबसे पहले होता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम उसका हीमोग्लोबिन टेस्ट कराते हैं, ESR, DLC, PLC, RH फैक्टर, ये सारी चीज़ें हम इन्वेस्टिगेट कराते हैं इन द ब्लड टेस्ट। एक्चुअली हम क्या देखते हैं, हीमोग्लोबिन, कि जो पेशेंट है, जो भी लेडी है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन कितना है। सेकेंड, ESR का लेवल कितना बढ़ा है, क्या हुआ है, ये हम चेक करते हैं। उसके बाद हम DLC चेक करते हैं। DLC इज अ डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। बेसिकली हमारा जो ब्लड है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। वो तीन चीज़ें क्या क्या होती हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। तो अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में एक चीज़ और होती है, प्लाज्मा, ठीक है। बट मेन हमें इन तीनों चीज़ों का टेस्ट कराते हैं, तो हम WBC का टेस्ट कराते हैं इन द DLC। DLC इज अ डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट का मतलब क्या है, कि जो WBC होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। डिफरेंट टाइप मतलब कि इसनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ठीक है, तो अलग अलग टाइप की होती है लिम्फोसाइट। तो उन सब के नंबर्स को अलग अलग देखना, कौन कौन सी होती हैं, इसनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, ठीक है, तो ये सारी होती हैं। तो इसको अगर हमें अलग अलग इनके नंबर्स को देखना हो, और एक होती है मोनोसाइट, ठीक है, तो अलग अलग अगर हमें इनको नंबर को देखना हो तो हमें DLC कराना पड़ता है। उसके अलावा एक होता है TLC। TLC इज अ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में हम पूरी WBC जितनी भी हैं बॉडी में, मतलब कि इसनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट, इन सबको हम एक साथ में देखते हैं, ठीक है। तो इन सबको जब हम एक साथ में देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं TLC। उसके अलावा हम RH फैक्टर, मतलब कि RH पॉजिटिव है लेडी या फिर RH नेगेटिव है, ये हम टेस्ट कराते हैं। सेकेंड वन इज अ यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट में हम क्या कराते हैं, सबको पता होगा प्रेगनेंसी का एक टेस्ट होता है जिसमें हम यूरिन की ड्रॉप डाल के चेक करते हैं कि इसमें HCG प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो कौन सा HCG होता है जो प्रेजेंट होता है, इट इज़ अ बीटा HCG, जो कि हमारी यूरिन में प्रेजेंट होता है जब डिलीवरी हो, मतलब जब प्रेगनेंसी होती है, सॉरी, प्रेगनेंट होती है लेडी, तो उन शुरू के जो 3 महीने होते हैं उसमें HCG का लेवल यूरिन में ज़्यादा होता है, स्पेशली इन मॉर्निंग, ठीक है। तो फर्स्ट यूरिन मॉर्निंग होती है उसमें यूरिन में HCG का लेवल ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन इज अ TVS। TVS अ ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी, ठीक है, मतलब कि हम ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी करते हैं। उसमें हमें क्या फाइंडिंग होती है कि उसमें इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी की एब्सेंस होती है, मतलब कि जो यूट्रस है उसके अंदर हमें कुछ भी नहीं मिलता है कि वो लेडी प्रेग्नेंट है। जैसे ही क्या कहते हैं हम उसको, जैसे ही लेडी प्रेग्नेंट होती है उसके बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होने लगते हैं, ठीक है, यूट्रस में चेंजेस आने लगते हैं, बहुत जल्दी ही डेवलपमेंट शुरू हो जाता है फीटस का। बट जब हम ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी करते हैं एट दैट टाइम हमें पता चलता है कि यूट्रस के अंदर हमें कुछ भी प्रेगनेंसी के साइंस नहीं मिल रहे हैं, नो फाइंडिंग्स आर देयर,
हमें एम्प्टी मिलता है यूट्रस, सो उसको हम बोलते हैं कि वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। मतलब कि हमने जब उसका यूरिन टेस्ट किया तो हमें पता चला कि प्रेगनेंसी टेस्ट इज पॉजिटिव, प्रेगनेंसी टेस्ट तो पॉजिटिव आ रहा है, बट जब हमने उसकी ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी की एट दैट टाइम हमें ये पता चला कि भाई वहाँ तो कुछ ऐसा मिला ही नहीं यूट्रस के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं कि उसमें हो सकता है कि उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। क्यों हो? क्योंकि यूट्रस की जगह कहीं और जब इम्प्लांट हो रहा है बच्चा, कहीं और कंसीव किया है लेडी ने, तो इसका मतलब है कि देयर इज अ चांसेस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ओके सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज हिट लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स। इफ यू हैव एनी क्वेरीज जस्ट फील फ्री टू कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन, एंड वॉच माई सो मैनी मोर अदर्स वीडियोज ऑन यूट्यूब। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। ओके सो देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।